अल्लाहुर्रहमान रहीम इयाका नाबुदु व इयाका नस्ताईन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं वसीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में कंडीशनर के बारे में बात करना चाह रहा हूं। कंडीशनर कैसे यूज़ करते हैं ये भी बता दूंगा, कंडीशनर के क्या फ़ायदे मैं ये भी बता दूंगा, शैम्पू नहीं यूज़ कर रहे तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो क्यों ये भी बता दूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने जा रही है, ज़्यादा बातें नहीं करते हम, जल्दी से अपने वीडियो में जंप करते हैं। बिफोर आई जंप इन टू माई वीडियो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जल्दी से यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी इस तरह की मज़े की क्विक सी वीडियो आप लोगों के साथ मैं अपलोड करूँ तो उसका टक करता नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि YouTube को मेरे साथ बैड हो चुके हैं, क्योंकि मेरी वीडियो के 3-3 दिन बाद लोगों को नोटिफिकेशन जा रहे होते हैं और व्यूज़ डेड हो चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन मैं भी हासा ढीट हूँ, मैं जल्दी से जान नहीं छोड़ूंगा, नए चैनल पे भी काम कर रहा हूँ, इस चैनल पे भी काम करूँगा और इसको मैं बिल्कुल ठीक करके दिखाऊंगा। YouTube का जो अल्गोरिथम है उस पर हम फाइट करके उसको चैनल को दोबारा रिवाइव करेंगे और आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो प्रोडक्ट शेयर करने जा रहा हूँ वो है ट्रेस्मे का कंडीशनर है। यू गाइस कैन सी सारा यूज़ हो चुका है, इतना रह गया और इतना यूज़ करने के बाद मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ लेके आ चुका हूँ। ऐसे मैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं अपने सर पे या अपने मुंह पे लगाता हूँ और इस किस्म के रिजल्ट्स मुझे कुछ मिलते हैं और मैं आप लोगों के साथ फिर भी ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करता हूँ। तो फिर आप लोगों का बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार शेयर करो और लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते फिर आगे चलते हैं। हे यू गाइस कैन सी द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसके ऊपर मेंशन है ट्रेस्मे प्रोफेशनल, इसके ऊपर मेंशन है मॉइस्चर रिच, इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन है विद विटामिन ई, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है विटामिन ई, लक्जरियस मॉइस्चर फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डैमेज हेयर के लिए, और कंडीशनर है आंखें खोल के आंखें फाड़ के देख लो, ये कंडीशनर है शैम्पू नहीं है। 228 ml हम इसमें प्रोडक्ट मिलता है और यहाँ पे इसके पीछे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है और फिलोसफी फ्रॉम आवर रीजन इन सलून्स 1948 ट्रेस्मे हैज बीन ड्रिवन बाय अ सिंपल ट्रुथ बाय सिंपल इतने अपने प्रोडक्ट की इन्होंने तारीफ कर छोड़ी है। अच्छा, ये पाकिस्तान में आपको प्रोडक्ट आई थिंक 1400-1500 का मिल जाता है। पहले मैं तकरीबन जब खरीदा था ट्रेस्मे का कंडीशनर मुझे 500-600 का मिल जाता था, लेकिन अब ये 1400-1500 का मिलता है। यार इतनी महंगाई पाकिस्तान में, ऐसी कितने जाइए साम 200। अच्छा ठहर, बहुत ज़्यादा महंगा ये हो चुका है। मैं पहले बताता हूँ कंडीशनर करता है क्या। कंडीशनर हमारे बालों को जो मॉइस्चर होता है हमारे बालों में लॉक करता है, हमारे बालों को मॉइस्चराइज अप्लाई हमारी स्किन को हमारे बालों को हाइड्रेट करता है, हमारे बालों को सिल्की करता है, डिटेंगल बनाता है, मतलब बालों में जो कॉम्ब होती है अक्सर रुक जाती है, बालों को इतना स्मूथ बना देता है कि वो भी ना रुके। लेकिन ये नहीं कि एक दफ़ा यूज़ किया और आपको ये रिजल्ट मिल गए, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजल्ट मिलते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा वेट और सब्र करना पड़ता है। बालों में मॉइस्चर देता है और हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है और बालों को रूखे सूखे नहीं होने देता, जो कि है कंडीशनर। ठीक है, कंडीशनर और कंडीशनर यूज़ कैसे करते हैं, जब आप नहा लेते हैं आपके बाल सेमी वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते, ड्राई नहीं होने चाहिए, वेट ही होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट ना हो, थोड़ा सा बालों को निचोड़ लो, उसके ऊपर ये कंडीशनर लो, आपने इसको अपने हाथों में लगाना है और जो बालों के एंड्स होते हैं ना उसमें अप्लाई करना है, बालों की ये लेंथ में अप्लाई करना है, बालों की ये लेंथ में अप्लाई किया जाता है, ना कि बालों की जो सर की रूट होती है उसमें। बालों की रूट में कंडीशनर कभी नहीं अप्लाई करते, अगर रूट में रेगुलर आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो रूट है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी और इस तरह से आपका माथा जो है, आपका जो टिंड यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये मेरी खानदानी और मेरे हाथ में मुँह से ज़्यादा वाइट लग रहे हैं। अच्छा, तो कंडीशनर हमेशा आपने बालों की लेंथ में लगाना है, ना कि सर की स्कैल्प में। ठीक है, एक चीज होगी। दूसरी बात यह कि जब आप शैम्पू नहीं लगा रहे, डेली हमें शैम्पू नहीं करना चाहिए, शैम्पू क्या करते हैं हमारे बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको छीन लेते हैं और हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है और बालों का नेचुरल ऑयल ख़त्म कर देता है और हमारे बालों को बहुत झाड़ियों की तरह बना देता है। मेक श्योर आपने वो भी यूज़ नहीं करना, डेली शैम्पू नहीं यूज़ करना, वीक में मैक्सिमम 2 दफ़ा, मैं खुद मैक्सिमम 2 दफ़ा सिर्फ कंडीशनर शैम्पू वगैरह बालों पर यूज़ करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब मैंने 2 से 3 दिन बाद मैं सर धोता हूँ, डेली सर भी नहीं धोता, गर्मियों में अगर मैं सर धोता हूँ तो शैम्पू कंडीशनर कुछ नहीं, सिर्फ पानी लगाया और गुड टू गो, जिससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है थोड़ा सा कंडीशनर ले लेना है, बालों में लगा लेना है, अब सर से जब और निकाल देना है। ये नहीं होता, कुछ लोग लगा के कंडीशनर छोड़ देते हैं
कंडीशनर को लगा के छोड़ना नहीं होता। 1 से 1.5 मिनट बाद आपने इसको पानी के साथ अच्छे से निकाल देना होता है। निकालने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने बहुत से गधे सलून वालों को देखा, वो क्या करते हैं, हम लोगों को कहते हैं बाल गीले बालों में लगाओ और कंघी कर लो, आपके बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं, आपके बालों की डंड उतार रहे हैं, हाना हराब कर रहे हैं बालों का। तो आपने क्या करना है, इसको बालों से निकाल देना होता है और आपने इसको निकाल देना, ठीक है, पानी के साथ अच्छे से धो लेना और शैम्पू ना लगाओ, उसकी जगह ये लगा लो, हफ्ते में सिर्फ 2 दफा शैम्पू लगाओ। और अगर आपने ऑयलिंग वगैरह की हुई, या फिर आपने कंडीशनर नहीं लगाना, फिर आपने शैम्पू ही यूज करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके रिव्यू से हम हट के कहीं और पहुंच गए। अच्छा, इसके रिव्यू के बारे में बात करूंगा। यस, ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, लेकिन अब ये मेरे बालों को आके तोड़ना शुरू इसने कर दिया है। मेरे बाल इससे ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो गया। आई डोंट नो, इसका फेक आना शुरू हो गया या फिर क्या, पहले कि मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा सूट करता था। जिन लोगों को ये ओरिजिनल मिले, आई वुड से कि ले लो, सिल्की बालों को करता है, बालों को जो रफ डैमेज बाल हैं उनको थोड़ा बहुत रिपेयर करने में भी मदद करता है। यस, पाकिस्तान में आई वुड से कि जितने भी कंडीशनर्स हैं लोरियल का निकाल के या हाई लेवल के थोड़े कंडीशनर्स निकाल के, जैसे सनसिल्क है या फिर पेंटीन वगैरह है, उनमें से आई वुड से कि डेफिनेटली ये मुझे उनसे बेहतर लगता है और ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप उनमें से चूज करते हो, डिपेंड करते हैं आपको ये सूट करते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ और डैमेज हो चुके हैं। एंड ये रफ और डैमेज बालों के लिए, तो बालों को फ्रिज फ्री बनाता है, बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। तो यस, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, लेना चाहो तो आप ले सकते हो। यही था मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट का रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।